नमस्कार विद्यार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रिंकी, सहायक प्राध्यापक दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है बालिकाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका। विद्यार्थियों, जैसा हम जानते हैं कि बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्य किए गए हैं और शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण की प्रक्रिया पर बल दिया जाता रहा है। यह लड़कियों को बुनियादी मानवाधिकारों को प्राप्त करने में उनकी मदद करती है, लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों की प्राप्ति से परे लड़कियों की शिक्षा सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के लिए उल्लेखनीय रूप से प्रभावी उत्प्रेरक होती है, यह साबित हो चुका है। अतः हम यह कह सकते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा सिर्फ उनको व्यक्तिगत तौर पर सशक्त नहीं बनाती है, अपितु पूरे समाज को सशक्त बनाती है। सशक्त बालिकाएं ही बाद में सशक्त नारी और मानव की भूमिका में समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करती हैं। शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण एक अग्रसारित प्रक्रिया बन जाती है। यह कैसे बन जाती है, अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बालिकाओं की विद्यालयों में सहभागिता की दर में वृद्धि करती है एवं अगले स्तर की शिक्षा के लिए उन्हें तैयार करती है। गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उनके माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर को कम करने में भी सहायक होती है और बालिकाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है, जिससे वो अपने लिए सही विकल्प का चुनाव करने में सक्षम होती हैं। शिक्षा के द्वारा ही वे शिक्षा के महत्व को समझती हैं एवं माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित होती हैं। इस प्रकार बाद में एक मानव के रूप में विभिन्न तरह की भूमिकाओं के द्वारा आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करती हैं। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण एक स्व अग्रसारित अर्थात सेल्फ परपेचुएटिंग प्रक्रिया बन जाती है, जिसमें एक बालिका शिक्षा के माध्यम से एक सशक्त नारी और मानव बनने की दिशा में ही स्वयं ही विकल्पों का चुनाव करती है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सशक्त बालिकाओं में क्या क्या गुण होते हैं। एक सशक्त बालिका में आत्ममूल्य, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना होती है। उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता और सृजनात्मक क्षमता भी होती है। उसमें नेतृत्व करने की क्षमता एवं समूह में कार्य करने की क्षमता भी होती है। अपनी तथा आसपास के लोगों की समस्याओं का हल निकालने की दिशा में कार्य करने की इच्छा भी उसके अंदर होती है। उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है और कई बार ऐसा देखा गया है कि वह अपनी पसंद के कोर्स या स्ट्रीम को पहचान कर उसमें दाखिला लेने का निर्णय स्वयं करती हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानने और उसका अधिकतम विकास करने की दिशा में एक सशक्त बालिका हमेशा प्रयत्नशील होती है और उसमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे दूर करने के प्रयत्न करने की इच्छा शक्ति भी होती है। उसे अपनी रुचि, अरुचि, किसी कार्य को करने की इच्छा या अनिच्छा के विषय में जानकारी होती है। अपनी बातों और विचारों को अच्छी तरह से संप्रेषित करने की क्षमता भी उसके अंदर होती है। इसका उपयोग करके वह कई बार अपने अभिभावकों और शिक्षकों को अपने उचित मांगों के लिए दृढ़तापूर्वक समझा लेती हैं। वह अपने बाल अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत होती है। परिवार, समाज तथा विद्यालय में अपने प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को पहचानने की क्षमता होती है और उसमें उसे रोकने की दिशा में प्रयत्न करने का जज्बा भी होता है। वह अपने साथ हो रहे किसी भी प्रकार के शोषण को पहचानने की क्षमता रखती है और उसे रोकने की दिशा में कार्य करने का साहस भी रखती है। उसका सरकार और अन्य माध्यमों द्वारा उनके विकास के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी होती है और उसका लाभ लेने की क्षमता भी होती है। वह अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होती है। एक सशक्त बालिका भावनात्मक और शारीरिक रूप से स्वनिर्भर होना चाहती है और अपने लिए प्राप्य उद्देश्यों का चुनाव करती है। सशक्त बालिकाएं यह यकीन करती हैं कि भविष्य में वे स्वयं को जिस भूमिका में देखना चाहती हैं वो उसे प्राप्त कर सकती हैं और साथ ही वे उसे प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयासरत होती हैं। जैसे बालिकाएं यदि डॉक्टर, शिक्षिका, इंजीनियर, खिलाड़ी, पायलट, इलेक्ट्रीशियन, गृहिणी या राजनेत्री बनना चाहती है तो उसे प्राप्त करने की दिशा में वह निरंतर कोशिश करती रहती है। वह अपने लिए मौजूद उचित विकल्पों का चुनाव करने की क्षमता भी रखती है। अब
हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण के बीच में कैसा संबंध है। शिक्षा की प्रक्रिया और बालिका सशक्तिकरण के पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए हमें विद्यालयों में पाठ्यक्रम के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के तीन आयामों को समझने की ज़रूरत है। यह तीन आयाम हैं: पाठ्यक्रम का लक्ष्य, पाठ्य सामग्री का चुनाव, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन। इन तीन आयामों का उचित उपयोग करके हम बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम यह समझेंगे कि पाठ्यक्रम का लक्ष्य हम कैसा तय करें जिससे बालिका सशक्तिकरण की दिशा को बल मिले। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा के लक्ष्य ही पाठ्यक्रम की दशा और दिशा तय करते हैं। इसीलिए यदि शिक्षा का लक्ष्य बालिका सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होगा तो पाठ्यक्रम का लक्ष्य भी इसके अनुरूप ही तय हो जाएगा। इसीलिए शिक्षा का लक्ष्य बालिका सशक्तिकरण के लक्ष्य को अग्रसारित करने वाला होना चाहिए। शिक्षा के लक्ष्य में लिंगगत समानता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा का लक्ष्य लिंग पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए, अर्थात शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक और बालिका के लिए समान होना चाहिए। सामान्य तौर से शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की संज्ञानात्मक, सृजनात्मक और तार्किक क्षमताओं के विकास द्वारा आत्म अनुभूति की प्राप्ति होता है। एक सशक्त व्यक्ति आत्म अनुभूति की तरफ सतत प्रयत्नशील होता है, परंतु जब स्त्री शिक्षा का लक्ष्य अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त न करके अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति होता है तो यह उसे आत्म अनुभूति प्राप्ति से दूर कर देता है और उसे संपूर्ण सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। ऐसा पाया गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालिकाओं के शिक्षा के लक्ष्य बालकों के शिक्षा के लक्ष्य से अलग तय किए जाते हैं। स्त्रियों या बालिकाओं के शिक्षा के लिए बनाए गए लक्ष्यों में सुसंस्कृत नागरिकों का निर्माण करना, छोटे परिवार के उद्देश्य को प्राप्त करना, अगली पीढ़ी के बच्चों के शिक्षा और पोषण के लिए शिक्षा देना, परिवार हेतु अतिरिक्त आय का सृजन इत्यादि शामिल हैं। इस तरह की शिक्षा को स्त्री शिक्षा का उपकरणवादी उपागम अर्थात इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में बालिकाओं और स्त्रियों की शिक्षा के उद्देश्यों को इन्हीं उपकरणवादी नज़रिए से परिभाषित किया गया और महिलाओं को आवश्यक रूप से परिवार के संदर्भ में तथा परिवार के अंदर निभाई जाने वाली गृहिणी और माता की भूमिकाओं के संदर्भ में देखा गया। इस नज़रिए की सीमाओं और इसकी बालिका सशक्तिकरण की दिशा में बाधा को पहचानते हुए केब कमिटी की गर्ल्स एजुकेशन एंड द कॉमन स्कूल सिस्टम नामक रिपोर्ट में बालिका या महिला शिक्षा के उपकरणवादी उपागम का जोरदार विरोध करने की ज़रूरत पर बल दिया गया है। इस तरह की धारणाओं से प्रभावित शिक्षा के लक्ष्य बालिकाओं को दी जाने वाली शिक्षा के स्तर और प्रकार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसानदायक प्रभाव डालते हैं और शिक्षा को जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित बनाते हैं। अतः हमें ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिससे कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों में बालिकाओं की क्षमताओं का प्रदर्शन और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा सकें और उन्हें आत्म अनुभूति से परिपूर्ण एक उपयोगी मानव और नागरिक बनाया जा सके। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिक्षा का लक्ष्य बालकों को नारी सशक्तिकरण के लिए तैयार करने वाला भी होना चाहिए। बालकों में नारी और पुरुष के सशक्त रूप और अपारंपरिक भूमिका की छवि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना तथा ऐसी छवि को स्वीकार करने के लिए तैयार करने का लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हमने ये देखा कि हमारे पाठ्यक्रम के लक्ष्य किस प्रकार के होने चाहिए ताकि वो बालिका सशक्तिकरण की दिशा को अग्रसारित कर पाए। इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम यह समझेंगे कि अधिगम के लिए किस प्रकार की पाठ्य सामग्री प्रयुक्त की जानी चाहिए। पाठ्य पुस्तकें एक महत्वपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम सामग्री हैं जिसे ज्ञान का महत्वपूर्ण भंडार माना जाता है। पाठ्य पुस्तकों में निहित अधिगम सामग्री को जेंडर पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में निहित अधिगम सामग्री को जेंडर पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। इसमें निहित जेंडर पूर्वाग्रहों का विद्यार्थियों के आत्म प्रत्यय अथवा अर्थात सेल्फ कॉन्सेप्ट पर प्रभाव पड़ता है और
पाठ्यपुस्तकों की समाज में विद्यमान जेंडर पूर्वाग्रहों को आगे बढ़ाने में एवं इन्हें वैधता प्रदान करने में बड़ी भूमिका होती है। पाठ्य सामग्री उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए। जेंडर पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए पाठ्यपुस्तकों में अधिगम सामग्री शामिल किए जाने चाहिए, जैसे महिलाओं और पुरुषों की समाज में भूमिकाओं को उनकी योग्यता तथा रुचि के अनुसार प्रदर्शित करना चाहिए, ना कि उन्हें समाज द्वारा चिन्हित की गई रूढ़िवादी या पारंपरिक भूमिकाओं में प्रदर्शित करना चाहिए। जैसा कि NCF 2005 में बताया गया है कि किताबों में पुरुषों और स्त्रियों को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए प्रस्तुत किया जाए। उदाहरण के तौर पर चित्र के माध्यम से यह दर्शाया जा सकता है कि महिला घर के उन कार्यों को कर रही है जो अक्सर पुरुष करते हैं, जैसे बल्ब लगाना, और पुरुष उन कार्यों को कर रहे होते हैं जो अक्सर महिला करती है, जैसे भोजन बनाना या घर की साफ सफाई करना। पाठ्य सामग्री में ऐसी महिलाओं के उदाहरण होने चाहिए जिन्होंने समाज को नेतृत्व प्रदान किया हो एवं जहां उन्होंने अपरंपरागत क्षेत्रों में योगदान दिया हो, जैसे महिला वैज्ञानिक, महिला पुलिस, महिला अंतरिक्ष यात्री, टेम्पो चालक, महिला पायलट इत्यादि के उदाहरण पाठ्य सामग्री में शामिल किए जा सकते हैं। ये सारे तत्व बालिकाओं को अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं एवं साथ ही बालकों को उनकी इस छवि को स्वीकार करने में अप्रत्यक्ष रूप से तैयार करते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यह देखेंगे कि पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन कैसा होना चाहिए जिससे बालिका सशक्तिकरण को बल मिल सके। इस संदर्भ में हमें यह जानने और समझने की ज़रूरत है कि विद्यालय का वातावरण और शिक्षण व्यवहार बालिकाओं के सशक्तिकरण में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जहां विद्यालय का जेंडर पूर्वाग्रह युक्त वातावरण बालक और बालिकाओं के संपूर्ण विकास में बाधक बनते हैं, वहीं जेंडरगत समान वातावरण और बालिकाओं को थोड़ा सा प्रोत्साहन देना उनके विद्यालयी उपलब्धि, आत्म प्रत्यय एवं प्रत्याशाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। विद्यालय के पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जिसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, एवं खेल बालिकाओं के व्यक्तित्व के कई पहलुओं का विकास करने और उन्हें सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसी क्रियाओं में भागीदारी उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जगाती हैं, परंतु कई शोध अध्ययनों में यह पाया गया है कि जेंडर पूर्वाग्रह हमारे देश के विद्यालयी वातावरण में छिपे हुए पाठ्यक्रम अर्थात हिडन करिकुलम का हिस्सा होते हैं और अनजाने में यह पाठ्य सहगामी क्रियाओं अर्थात को करिकुलर एक्टिविटीज़ तथा खेलों में जेंडर सापेक्षता को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कई विद्यालयों में बालिकाओं को साज सज्जा, रंगोली बनाना, नृत्य, गायन, शिल्प आदि क्रियाओं में और बालकों को कविता पाठ, वाद विवाद, भाषण आदि में प्रधानता दी जाती है एवं उन्हें हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी प्रकार अक्सर बालिकाओं और बालकों को उनके जेंडर के अनुसार विशेष प्रकार के खेलों में भाग लेते हुए देखा जा सकता है। बालक शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में हिस्सेदारी करते हैं, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल आदि, और बालिकाएं रस्सी कूद, खो खो या ऐसे ही दूसरे खेलों में हिस्सा लेती हैं जो शारीरिक रूप से कम चुनौतीपूर्ण होते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि विद्यालय का वातावरण जेंडर निरपेक्ष हो और बालक और बालिकाओं को अपारंपरिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं और खेलों में हिस्सेदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि विद्यालय में जेंडर पूर्वाग्रह कम हो सकें। इसी प्रकार कक्षा में पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करते समय शिक्षक को विभिन्न प्रकार के ऐसे शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए जो बालिकाओं के संपूर्ण विकास में सहायक हों। उनमें विषय वस्तु की समझ पैदा करने के साथ साथ विश्लेषणात्मक क्षमता, सृजनात्मक क्षमता, नेतृत्व क्षमता तथा अन्य क्षमताओं का विकास करने की दिशा में कोशिश करनी चाहिए। पाठ्यक्रम के उद्देश्य तब तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं जब तक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का व्यावहारिक ज्ञान न करवाया जाए। इसीलिए ऐसी शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान के साथ समन्वय हो। इसके लिए शिक्षक क्रिया आधारित अधिगम को अपना सकते हैं, साथ ही वह बालक बालिकाओं के
छोटे समूह बनाकर भी कई तरह के अधिगम कार्य करवा सकते हैं। जब बालक बालिकाएं एक समूह में कार्य करते हैं तो उनमें जेंडरगत पूर्वाग्रह कम होने की संभावनाएं बनती हैं एवं वो एक दूसरे के लिए दृष्टिकोण उनके मानव होने के आधार पर बनाते हैं, ना कि उनके एक विशेष जेंडर होने के आधार पर। साथ ही वो एक दूसरे की क्षमताओं के विषय में अवगत होते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। इसी प्रकार बालिकाओं को गणित शिक्षण और विज्ञान शिक्षण के लिए भी वैसे ही प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे अन्य विषयों के लिए किया जाता है। बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यह समझेंगे कि शिक्षक या शिक्षिका का व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे एक बालिका सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सके। इसके लिए यह जरूरी है कि शिक्षक और शिक्षिका को जेंडर असमानता से जुड़े मुद्दों की जानकारी हो, उसे पता हो कि किस प्रकार विषय वस्तु तथा पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में जेंडर असमानता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाते हैं। उसे इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि वह कैसे अपने व्यवहार और शिक्षण विधि में जेंडरगत समानता का समावेश कर सकता है। शिक्षक या शिक्षिका बालक और बालिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और इसीलिए बच्चे उनके व्यवहार और विचारों से प्रभावित होते हैं जो उनके व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए शिक्षक या शिक्षिका का व्यवहार जेंडर पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि हमारे कई विद्यालयों में शिक्षक या शिक्षिका का व्यवहार जेंडर पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षक या शिक्षिका द्वारा बालकों की तुलना में बालिकाओं के ऊपर कम ध्यान देना, बालकों से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण प्रश्न करना, गणित और विज्ञान विषयों को पढ़ने के लिए बालकों को और सामाजिक विज्ञान या भाषा पढ़ने के लिए बालिकाओं को ज़्यादा प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं। ऐसे व्यवहार बालिकाओं के आत्मप्रत्यय, आत्मविश्वास एवं उनकी प्रत्याशाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अतः शिक्षक या शिक्षिका का व्यवहार जेंडरगत समानता पर आधारित होना चाहिए। शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए ताकि बालिकाएं निर्भीक रूप से अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर सकें एवं अधिगम कार्य में पूर्ण भागीदारी कर सकें। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का दोस्ताना और सहयोगपूर्ण व्यवहार बालिकाओं को अपनी इच्छा, अनिच्छा, आशा, प्रत्याशा एवं किसी प्रकार की परेशानियों को उनके साथ साझा करने में मदद करता है। शिक्षक या शिक्षिका निर्देशन और परामर्श के द्वारा बालिकाओं की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद कर सकते हैं। बालिकाओं की क्षमता को पहचान करके उसे निखारने की दिशा में भी शिक्षक या शिक्षिका का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को अपने शिक्षण कार्य के विषय वस्तु में महिलाओं की समाज निर्माण में भूमिकाओं को भी आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हम अब यह समझ चुके हैं कि शिक्षक और शिक्षिकाओं का व्यवहार बालिका सशक्तिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उनका सकारात्मक व्यवहार संपूर्ण बालिका सशक्तिकरण को बल प्रदान करता है। तो पूरे चर्चा के अंत में अब हम थोड़ा सा इसे समराइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। विद्यार्थियों, हमने आज यह समझा कि कैसे शिक्षा के द्वारा बालिका सशक्तिकरण एक स्व अग्रसारित प्रक्रिया बन जाती है। साथ ही हमने सशक्त बालिकाओं के गुणों के विषय में समझा और यह भी समझा कि कैसे पाठ्यक्रम के लक्ष्य, पाठ्य सामग्री और पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के तरीके के द्वारा बालिका को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा सकता है। आशा है कि आज की चर्चा आपके लिए लाभप्रद साबित हुई होगी। अगले किसी सत्र में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।